गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल रीड आवर फोर्थ चैप्टर, फूड और फ्यूल. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स. लुक एट पिक्चर ऑफ राजा इन फिगर 1 एंड आंसर द क्वेश्चंस. इन पिक्चर फर्स्ट, एज 1 ईयर, हाइट 75 सेंटीमीटर, वेट 9 केजी. इन सेकंड पिक्चर, एज 6 ईयर्स, हाइट 115 सेंटीमीटर, वेट 20 केजी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हैज राजाज हाइट इंक्रीज इन 5 ईयर्स. मतलब 5 साल में राजा की हाइट जो है कितनी इंक्रीज हुई. तो देखिए, 1 ईयर का जब वो था तब कितनी हाइट थी उसकी, 75. और जब वो 6 ईयर का हुआ तो 115 सेंटीमीटर उसकी हाइट हुई. इसका मतलब कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, लेट्स सी. 115 माइनस 75 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. कितनी हाइट इंक्रीज हुई है, 40 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हुई है. कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड ही वेट व्हेन ही वाज 1 ईयर ओल्ड. उसका वेट कितना था जब वो कितने साल का था, 1 साल का था. कितना वेट था, 9 केजी. हाउ मच डज ही वेट नाउ एट 6 ईयर ओल्ड. जब वो 6 साल का हो गया तब उसका वेट कितना था, उसका वेट था 20 केजी. Do you think Raja has grown in 5 years? Yes. हमने देखा कि 5 years में राजा जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, वो ग्रो हो रहा है. तभी तो उसका वेट भी बढ़ा और उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई ना. I'm repeating, by how many centimeters has Raja's height increased in 5 years? 40 centimeter. How much did he weigh when he was 1 year old? 9 kilogram. How much does he weigh now? 86 year old, 20 kg. Do you think Raja has grown in 5 years? आपको ऐसा लगता है कि 5 years में राजा में ग्रोथ हुई है? Yes. As we grow, our body becomes taller and stronger. This also allow us to do many actions such as jump, walk and run. जिस तरह से हम ग्रोथ करते रहते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रांग बनती रहती है और हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होती रहती है. और यही सब हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, मैनी एक्शंस. अगर हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी, कैपेबल होगी, तभी तो मूवमेंट्स होंगे. एंड नाउ टेक exactly 1 minute to list 6 more actions that we can do with our body. आपको यहाँ वो actions लिखना है जो आप अपनी body के through कर सकते हैं या जो आप अपनी body के through करते हैं. आप कोई सा भी ऐसा action यहाँ लिख सकते हैं, 6 actions लिख सकते हैं जो आप अपनी body के through कर सकते हैं या करते हैं. We need energy to do our day-to-day activities. हमें हमारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी की नीड होती है. हाउ डज आवर बॉडी गेट द एनर्जी टू डू मैनी एक्शंस. तो एनर्जी हमें किससे मिलती है, कोई भी वर्क को डन करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए हमें एनर्जी किससे मिलती है. एक्टिविटी 4.2, Imagine that you have just returned from school. आप imagine करो कि आप कहाँ से return हुए हो, school से return हुए हो. मतलब आप अपने घर पर आए हो and you are very hungry. और आप क्या हो, hungry हो. So you remove your shoe, wash up and run to the kitchen to find something to eat. और आपने क्या किया, जल्दी से आपने शर्लेस या शू ओपन किए, रिमूव किए और वॉशअप किया और सीधा कहाँ भागे, किचन की तरफ भागे कुछ खाने के लिए. वॉट वुड यू लाइक टू ईट फर्स्ट. तो सबसे पहले आप क्या खाएंगे, इसका आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी चॉइस पे डिपेंडेंट हैं.
आप इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल से घर आए हैं और स्कूल से घर आने के बाद आपने अपने शूज़ रिमूव किए हैं, हैंड वॉश किया है और सीधा कहाँ चले गए हैं, कुछ खाने के लिए किचन में चले गए हैं। तो अब आप सबसे पहले क्या खाना पसंद करेंगे, यहाँ आपको राइट करना है। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ वुड यू फील आफ्टर ईटिंग, और आप कुछ खाने के बाद कैसा फील करेंगे, कैसी फीलिंग्स आएंगी आपको कुछ खाने के बाद। एंड डू यू थिंक यू हैव मेड अ हेल्दी चॉइस, आपको लगता है कि आपने हेल्दी चॉइस किया है। जो भी आपका आंसर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ राइट टिक कर दीजिएगा। इफ़ यस देन राइट टिक, इफ नो देन राइट टिक। ओके नाउ समटाइम्स वी फील टायर्ड एंड वीक, दिस कुड बी बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट गेटिंग इनफ फ्यूल। समटाइम्स वी फील टायर्ड एंड वीक, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्या लगता है, थकान लगती है और हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, खुद को वीक फील करते हैं। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा तब हो सकता है जब हमें प्रॉपर फ्यूल नहीं मिले, हमें और हमारी बॉडी को जब प्रॉपर क्या नहीं मिले, फ्यूल नहीं मिले। अब देखिए फ्यूल क्या है, फ्यूल, फ्यूल मींस ईंधन, फ्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं ईंधन। यहाँ फ्यूल का मतलब क्या है, देखिए अ मटेरियल दैट गिव्स एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल, मतलब वो मटेरियल जो कि एनर्जी देता हो उसे ही फ्यूल कहते हैं। तो एनर्जी किससे मिल रही है, एनर्जी हमें फूड से मिल रही है। तो अगर हमें हमारी बैलेंस डाइट या हमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स या हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है जो हमारी बॉडी को के लिए ज़रूरी होता है या जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है, अगर प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है या बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है तो हम जल्दी से थक जाते हैं। फूड इज द फ्यूल दैट गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली। फूड जो है एक फ्यूल है जो कि हमें क्या देता है, एनर्जी देता है और हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए हेल्प करता है। अगर हम ईट नहीं करेंगे या हम खाएंगे नहीं तो हम क्या पूरा दिन वर्क करेंगे, हमारे अंदर क्या इतनी कैपेसिटी रहेगी कि हम दिन भर काम करते रहें। इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स टाइम ये सब रहता है ना बीच बीच में, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होती है, एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है। हम बिना एनर्जी लिए पूरा काम या पूरा दिन नहीं बिता सकते हैं। Eating healthy foods help us grow tall and strong. It protects us from illnesses and helps us stay healthy. It also helps us recover faster when we fall sick. अगर हम healthy food eat कर रहे हैं, healthy food मतलब balanced diet, अगर हम proper balanced diet ले रहे हैं तो हम हमारी body को, हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होंगे जो हमें दिखाई देंगे, हमारी बॉडी स्ट्रांग भी होगी, हमारी हाइट भी इंक्रीज होगी, जो कि हमें किससे प्रोटेक्ट करेगा, जो कि हमें बीमारियों से लड़ने के लिए कैपेबल बनाएगा, जो कि हमें बीमारी से प्रोटेक्ट करेगा और हमें हेल्दी रखेगा। और अगर हम थोड़ा बहुत बीमार पड़ भी जाते हैं तो हमें जल्दी से रिकवरी होने में हेल्प करेगा। और हम रिकवर कब होंगे जल्दी से, जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कब होगा, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग तब होगा जब हम प्रॉपर डाइट लेंगे, हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है उतना प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स अगर हमारी बॉडी को मिलेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे हम बीमारियों से लड़ पाएंगे और जल्दी रिकवर हो पाएंगे। फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू कैरी आउट ऑल इट्स फंक्शंस प्रॉपरली। फूड जो है हमारी बॉडी की एक ऐसी ज़रूरत है जो कि हर फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है। देखिए डाइट क्या होती है, द काइंड ऑफ फूड
दैट वी ईट रेगुलरली फॉर्म्स और डाइट. डाइट मतलब वो फूड जो कि हम रेगुलर फॉर्म में ईट करते हैं. वी नो दैट वी गेट फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें पता है कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट फूड ईट करते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स से हमें मिलते हैं. सो न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, या हम बोल सकते हैं पोषक. द फूड वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज मे बी हेल्दी और अनहेल्दी फॉर अस. हाउ डू वी नो इफ द फूड वी ईट इज हेल्दी और नॉट? अब देखिए, हम फूड ईट करते हैं जब, तो मे बी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से करते हैं, तो मे बी वो फूड हेल्दी हो और अनहेल्दी हो हमारे लिए. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो फूड हेल्दी है हमारे लिए या नहीं है? तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे. ओके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड इन द ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर? आप को लिखना है सबसे पहले ब्रेकफास्ट में कि आपका क्या फेवरेट फूड है ब्रेकफास्ट में और लंच में और डिनर में. ओके, आप क्या लेना पसंद करेंगे ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, किसे प्रिफर करेंगे आप? सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? आपने कल ब्रेकफास्ट, यस्टरडे मीन्स जो बीत गया, आपने उस दिन क्या खाया था, क्या ईट किया था ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में? आप जब भी ये बुक एक्टिविटी करेंगे उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा. एंड नाउ, व्हाट फूड्स डू यू यूजुअली स्नैक ऑन आफ्टर स्कूल? जब आपका स्नैकिंग टाइम होता है तो आप कौन सा फूड ईट करते हैं, कौन से स्नैक्स लेते हैं आफ्टर स्कूल? विच ऑफ दीज फूड्स डू यू थिंक इज हेल्दी? आपको क्या लगता है कौन सा फूड ऐसा है जो कि हेल्दी होता है? थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फूड्स डू यू थिंक इज नॉट हेल्दी? और आपको क्या लगता है कि कौन सा फूड जो है आपके लिए हेल्दी नहीं है? ये जो क्वेश्चन है आपकी डेली एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेड है बेटा, इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर आप ही को करना है और ऐसा नहीं करना है कि आप किसी स्टूडेंट से कॉल करके या उससे कॉन्टैक्ट करके पूछें कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि सबका अलग अलग शेड्यूल, सबका अलग अलग रूटीन है ईटिंग सिस्टम का भी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही आंसर राइट करना है. द फूड दैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कंटेन मैनी थिंग्स दैट हेल्प अस ग्रो एंड स्टे हेल्दी. दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. तो वो फूड जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, जो कि हमें ग्रो करने में और हेल्दी रखने में हमें हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व. वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. और देखिए, न्यूट्रिएंट्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी, द न्यूट्रिएंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप्स के हो सकते हैं? टू टाइप्स के हो सकते हैं. लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. Macronutrients. Nutrients that a body needs in large amounts are called macronutrients. Macronutrients का मतलब होता है वो nutrients जिनकी हमारी body को बहुत large amount में ज़रूरत होती है, वो क्या कहलाते हैं? Macronutrients कहलाते हैं, जो कि the help our body grow and heal wounds. They also give us energy, जो कि हमारी body को grow करने के लिए help करते हैं और heal wounds, हमें जल्दी recover करवाने में help करते हैं. अगर कोई wound, कोई चोट लग भी जाती है तो उसको कौन जल्दी से recovery करता है? Macronutrients. और ये हमें क्या देते हैं? एनर्जी भी देते हैं. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये तो क्या था? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत थी. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स
Which nutrients that our body needs in small amounts are called micronutrients, means वो nutrients जिनकी हमारी body को बहुत small amounts में need होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. They help our body fight disease, जो कि ये किससे लड़ते हैं, ये हमारी body में जो भी disease होती हैं उनसे लड़ते हैं. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी बॉडी, और ये हमारी हेल्दी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. मीन्स इम्यून सिस्टम, रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम. हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम बीमार पड़ने के बाद इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं, जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत है, स्मॉल अमाउंट में ही ज़रूरत है. अब स्मॉल अमाउंट में भी अगर होंगे तो ही इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा ना. एंड We will read macronutrients and micronutrients in detail in our next video. Thank you.